फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर पे। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी और पीसीएस परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें कि हम परीक्षा के फाइनल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन हम कभी कभी बीपीएससी में एक परीक्षा निकाल लेते हैं, दूसरे परीक्षा में जाकर के अटक जाते हैं। तो पहले सबसे पहले हमको बीपीएससी निकालने का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या हमारा मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू हम बीपीएससी को, इसका जो परीक्षा होता है, सारे परीक्षा को हम पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बीपीएससी है क्या। सपोज तो हम बीपीएससी परीक्षा, ये जो परीक्षाएं होती है, ये परीक्षाएं तीन टर्म में लेता है। आपको भी पता होगा, इसमें पहले आपका होता है पीटी, फिर इसमें हमारा लेता है मेंस, हमारा होता है मेंस होता है, और लास्ट की एग्जाम जो है वो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है। तो हम किस प्रकार से तैयारी करें बीपीएससी का कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों का तीनों क्लियर कर सके। कभी कभी होता क्या है कि हम पीटी की तैयारी करते हैं तो मेंस छूट जाता है, और मेंस की तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू छूट जाता है। हम ऐसा क्या तैयारी करें कि इंटरव्यू, पीटी, मेंस और इंटरव्यू एक साथ हम क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों के बीच में मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी फायदा हो, अच्छा लगे, तो कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, पीटी जो होता है वो क्या होता है। पीटी जो होता है फ्रेंड्स, वो इसमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पीटी जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, और मेंस जो होता है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है, और इंटरव्यू जो होता है वो पर्सनली होता है, वो पर्सनली पूछा जाता है, पर्सनल होता है, ठीक है, वो पर्सनली होता है। ये सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो किस प्रकार से हम पढ़ें कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो, इस चीज़ पर हमको ध्यान देना है, और किस तरह से हम तैयारी करें। सपोज हम देखते हैं कि हमारे पास 8 सब्जेक्ट की तैयारी करना पड़ता है बीपीएससी के लिए। अगर हमारा 8 सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाए, ग्राउंड स्तर से लेकर के उसमें बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक, तो मेरा मानना है कि बीपीएससी आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। तो क्या है वो सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट क्या है वो हम समझेंगे। तो वो हमारा सब्जेक्ट हम जब देखते हैं, हमारे पास है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इकोनॉमिक्स। इधर साइंस में हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हमारे पास आ जाता है, इधर आ जाएगा करेंट और बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। अगर ये 7-8 का तैयारी आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं, करेंट एंड बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट और बिहार स्पेशल, तो मेरा मानना है कि 100% आपका बीपीएससी में पीटी का सिलेक्शन हो जाता है। बट इसको पढ़ें कैसे, सबसे बड़ी बात है कि इसकी तैयारी किस प्रकार से करें, किस बुक से करें। मैं आपको किस बुक से करें इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किस बुक से तैयारी करें, और वो बुक को देखिएगा, पढ़ करके देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो उसका यूज कीजिएगा, देखने में क्या जाता है। तो हमारा यहाँ पे पढ़ने का ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए सब। अच्छा, अब आता है मेंस। तो मेंस में क्या पूछता है, तो मेंस में हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो हम ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े हैं वो, या जो नहीं पढ़े हैं उसको भी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकते हैं। सपोजेड कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं, वो बीटेक करते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें मैकेनिकल, सिविल, सीएस, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, वहाँ से वो अपना सब्जेक्ट नहीं लेकर के वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट उनको लिस्ट वहाँ रहता है, फॉर्म भरते समय आपको मिल जाएगा, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। फिर इसके बाद पेपर होता है GS1 और GS2 का, ठीक है, ये पेपर होता है हमारा GS1 और GS2 का। तो इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें पूछा क्या जाता है, तो इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें फिर से हमारा आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस, इसमें हमारा क्या पूछेगा, साइंस एंड टेक, ठीक है, और करेंट एंड स्टैटिक्स, ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है, ये पूछा जाता है। और जब हमारा इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में हमसे यही सब चीज़ों को यहाँ पे पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन ये मौखिक पूछा जाता है, हमको पर्सनली मौखिक पूछा जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी जो एग्ज़ाम है ना,
ये एसएससी सीजीएल से दो चार गुना, दो गुना नहीं चार गुना कहिए आप पांच गुना ये हल्का है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि आपका नॉलेज क्या है। नॉलेज का टेस्ट होता है बीपीएससी में, आपका डीपनेस क्या है, आप किसी भी तथ्य को, आप किसी बात को किस तथ्य से रखते हैं, बात को रखने का आपका तजुर्बा क्या है, किसी भी चीज को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, किसी मुद्दा को किस प्रकार से डील करते हैं, ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो मौखिक, ये पर्सनल इंटरव्यू होता है, मौखिक होता है, आपसे आपसे सामने से पूछा जाता है। इसमें वही लोग मौखिक में जवाब को हमको इसमें बोलने की कला देखा जाता है। दोस्त बोलने की कला क्या है, हम किस तरह से बोलते हैं कि हम दूसरों को इम्प्रेसित कर सकते हैं। एज ए लाइक आपको ऑफिसर बनना है, आप में क्या एबिलिटी है, इस चीज को देखा जाता है। तो इसमें भी मौखिक रूप से वही चीज पूछा जाता है जिसकी तैयारी हम पीटी और सब्जेक्टिव मेंस के लिए करते हैं, इसी का मौखिक में मौखिक रूप से हमसे पूछा जाता है। लेकिन इसमें बोलने का केवल कला होना चाहिए, मौखिक रूप से पूछा जाता है लेकिन हमारा बोलने का कला यहाँ पे देखा जाता है। बोलने की कला क्या है, चीजों को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कभी कभी तैयारी करते हैं पीटी का, तो हिस्ट्री में हम केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने से और ऑब्जेक्टिव पूरा याद कर लेने से हमारा पीटी का तो काम हो जाएगा, लेकिन जब GS1 पेपर GS1 और GS2 आएगा तो हमारा यहाँ पे जो होता है वो क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री डीप लेवल का अध्ययन नहीं होता है, उसमें चीजें ज्यादा अध्ययन नहीं होता है, तो हम यहाँ पे फेलियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पर हमको ध्यान देना है और हमको इसको डीपली लेकर के चलना है। तो आप एक बार यहाँ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंस्टिट्यूएंसी और इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस है, साइंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। आपका बीपीएससी का पीटी में साइंस से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो साइंस के स्टूडेंट है उनको भी साइंस पढ़ने की जरूरत है अच्छे ढंग से, क्योंकि आपको बीपीएससी पास करना है ना। तो आप ठेठ में समझ जाइए कि साइंस और करंट और बिहार स्पेशल अगर आपके पास मजबूत हो जाता है तो पीटी कोई नहीं रोकेगा। आप जाइए मेंस की तैयारी कीजिए, आपको पीटी होने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपको इस पे अच्छे से पकड़ होना चाहिए। और बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंसी सिविक्स की, राजनीतिक शास्त्र की, पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स और मैथ तो बिहार के बच्चों का तेज होता ही है। हमें फोकस कहाँ देना है, हमें फोकस देना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस में जो समान घटनाक्रम के क्वेश्चंस है उसको हमको सही ढंग से पढ़ना है, क्योंकि वहां से अगर हमको क्वेश्चंस बैंक का देखते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो पीटी होने से कोई नहीं रोक सकता है। आते हैं तो साइंस से हमको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। साइंस के लिए आप हमसे पूछेंगे क्या पढ़ें, तो साइंस के लिए कुछ नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साइंस का 9th और 10th का एनसीईआरटी का बुक अच्छे ढंग से पढ़ लें। 9th और 10th का एनसीईआरटी का बुक आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपका बहुत सारा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और एक आता है लूसेंट सामान्य विज्ञान, इसको आप क्या बोलते हैं कि पढ़ लीजिए सही से। लूसेंट सामान्य विज्ञान साइंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। और नहीं तो आप टीएमएच का एक बुक आता है, टीएमएच का बुक आता है, ठीक है, इसको आप सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि साइंस पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, 30 नंबर का क्वेश्चन आप संभाल लीजिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन साइंस से आता है। अच्छा, अब बात आती है करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। तो करंट को हम कैसे मजबूत करेंगे, करंट मेरा कैसे ठीक होगा, तो विद्यार्थी करंट को ठीक करने के लिए स्टूडेंट्स दोस्तों आपको करंट को कंप्लीट करने के लिए तो आपको बहुत सारा कोचिंग क्लासेस को हम क्लास लेते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारा क्लास आता है। तो कहा जाता है कि करंट में न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो चीज़ें होती है उसको कोचिंग वाले नोट्स में पीडीएफ फाइल बना करके बता देते हैं। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, आप न्यूज़पेपर के साथ साथ करंट आपको कंप्लीट करने के लिए आप डेली एक कोई अच्छा सा न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। और ये न्यूज में जो न्यूज होता है, खेल का न्यूज होता है, इंटरनेशनल न्यूज होता है, नेशनल न्यूज होता है, इसको आप एक शॉर्ट नोट बना के चले, अपने डायरी पे मेंटेनेंस करते चले। होगा क्या कि आप पीटी तो याद करके निकाल लेते हैं,
लेकिन मेंस में जब पहुंचते हैं तो GS1 जो होता है, GS1 में 35% आपको करंट फिर से पूछा जाता है, 35% आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा। अगर आप किसी से भी पूछेगा करंट अफेयर के लिए कौन सा बुक पढ़ें, तो कंप्लीटली कहना मुश्किल है कि करंट अफेयर के लिए कौन सा बुक पढ़ें। तो करंट अफेयर के लिए आपको हो सके तो आप परीक्षा मंथन पढ़ें। क्वाड्रेटली क्वाड्रेटली निकलता है 3 महीने पे, वो आप परीक्षा मंथन पढ़ें, और हो सके तो कोई एक अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़ें। और न्यूज़पेपर में जो न्यूज होता है ना, उस न्यूज को डायरी पे नोट करते चले, खेल से संबंधित न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, जो भी चीजें हैं उसको नोट करते चले। तो आपका पीटी के बाद आपका जब आप बैठेंगे मेंस देने के लिए, तो मेंस में भी आपकी तैयारी पीटी के साथ साथ चलते रहेगा। तो यही स्ट्रेटेजी हमको बनाना है कि हम किस प्रकार से तैयारी करें कि पीटी के साथ हमारा मेंस की भी तैयारी होते रहे, ठीक है। तो ये तो आपको क्या बोलते हैं कि इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप कुछ न्यूज़पेपर के साथ कुछ बच्चे ये पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, पीडी पढ़ते हैं, तो दोस्त पीडी जब आप पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, तो इसमें भी न्यूज होता है। सपोज दैट अभी जून का महीना है, तो जून का जो पीडी आएगा उसमें भी न्यूज होगा, उसमें भी नेशनल न्यूज होगा, इंटरनेशनल न्यूज होगा, खेल के संबंधित न्यूज होगा, देश स्तर का होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, कहाँ पे कौन सा सम्मेलन हो रहा है, किस प्रकार का परियोजना लाया जा रहा है, उसको भी आप डायरी पे नोट करते चले, और देखिएगा जो ये पीडी होता है इसमें लेख भी होता है जहां तहां, ठीक है। तो लेख जो होता है उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अगर वो आप लेख पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका मेंस में के लिए वो फायदा होगा। किसके लिए? मेंस के लिए आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, और अच्छा फायदा देगा जिससे आपका तैयारी मजबूत करेगा। तो आप पीडी पढ़ते हैं, परीक्षा दर्पण पढ़ते हैं, जून का पीडी पढ़े, इसके साथ साथ आप डायरी में नोट करते चले, इन सब चीजों को आप डायरी में नोट करते चले कि साथ साथ क्या बोलते हैं कि आपका कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा? आपका पीटी के साथ मेंस का भी कंप्लीट होगा। पेपर में भी मैंने बोला, जब आप पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में का भी न्यूज जो है, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज है, उसको डायरी पे नोट करते चले, क्योंकि करेंट मेंस में भी GS2 में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, इस सब चीजों को मिला करके, इसको और इनको मिला करके, हमको जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे इंटरव्यू में चीजों को पूछा जाता है, तो इसका भी कंप्लीट करना ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर इन सब चीजों को आप ये करें, तो मैं अगर आप पूछें, अगर हमें अब लगता है कि हम BPSC की तैयारी कैसे करें, तो हमको क्या बोलते हैं कि BPSC के लिए बिहार स्पेशल की काफी सारे बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी। बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर और आपका विज्ञान। मैंने पहले भी कहा कि विज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, विज्ञान, ये तीन चीजों को आप लेकर के चलते हैं तो पीटी आपको पास करवा देगा। और करेंट अफेयर के लिए आपको मासिक पत्रिका है, पीडी है, न्यूज़पेपर है, इसको पढ़ पढ़ के चलना है और डायरी में न्यूज़ बना करके रखना है। बिहार स्पेशल की काफ़ी सारी बुकें मिल जाती है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका BPSC ज़रूर निकले, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा कि किस पब्लिकेशन का बुक पढ़ने से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।